आप समझ गए तो सच बता रहा हूं, आपकी जिंदगी के अंदर आपका बस नहीं, आपके सेवन जनरेशन की जिंदगी बदलने वाली है। एंड आई कैन प्रॉमिस टू यू गाइस कैसे होगा और कैसे ये चीजें कर पाएंगे, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। फोर्सेस 31 जनवरी 2020 के अंदर मार्केट के अंदर आता है, अभी का अगर अपन देखें तो टोटल 15-16 महीने हो चुके हैं। और इस 15-16 महीनों मेरे दोस्त आपको जान के अच्छा लगेगा, हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि इस इंडस्ट्री ने 6,000 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया, इस इंडस्ट्री ने लाखों लोगों को लखपति बना दिया। मेरे दोस्त जिन लोगों ने 1 लाख से लेकर 99,99,999 रुपए कमाया, 6,000 से ज्यादा लोग हैं जिनको इस इंडस्ट्री ने करोड़पति बना दिया मेरे दोस्त, राइट। तो ये पावर है इस इंडस्ट्री का। एंड इट कैन पॉसिबल कि अगर आज आप सिस्टम को बड़ा ध्यान से सुनते, क्योंकि वो 6,000 लोगों ने कोई अलग काम नहीं किया था, उन 6,000 लोगों ने सिस्टम को बहुत ध्यान से समझा था, इस सिस्टम को बहुत ध्यान से देखा था। वो 6,000 लोगों में जिनका नाम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका नाम नहीं है, उन 6,000 लोगों में उनका नाम नहीं है जो मीटिंग में आ रहे थे लेकिन बीच में मीटिंग छोड़ के जा रहे थे, जिनका कॉल बहुत इंपॉर्टेंट था, यू नो, जो बीच बीच में हैंड रेस कर रहे थे, राइट, मीटिंग चल रहा था और वो बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे थे, हैंड रेस कर रहे थे, वो बड़े सुपर, यू नो, आप समझिए कि वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान रहे थे, राइट। वो लोग थे जो लोग मीटिंग्स के बीच में लोगों का फोन उठा रहे थे, वो लोग थे जो लोग मीटिंग के बीच में मैसेजेस के अंदर चैट कर रहे थे और ऑडियो सुन रहे थे। मेरे दोस्त, आज का अगर ये अपन सेशन में लोगों का कॉल इग्नोर कर दिया, लोगों का मैसेज इग्नोर कर दिया, अगर अपन ने मीटिंग को लास्ट तक सुन लिया, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि उन 6,000 लोगों में अगली बार के प्रेजेंटेशन में आपका भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कैसे होगा, चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। लेकिन फोर्सेस है क्या? फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। अब ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम का मतलब क्या? व्हाट मीन बाय डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, व्हाट मीन बाय डिसेंट्रलाइज कंपनी, कंपनी यू नो, जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी ना हो, जिसको कोई भी व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल ना किया जाता हो। उसके पहले आप समझिए सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्या है, जिसके अंदर कोई ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो, जिसके अंदर एमडी हो, सीएमडी हो, डायरेक्टर्स हो, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी ना हो, उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। मेरे दोस्त, आज ये जो हमारा सिस्टम है, ये 100% डिसेंट्रलाइज, देयर आर नो बैक ऑफिस, यू नो, देयर आर नो ह्यूमन कंट्रोल, देयर आर जीरो ह्यूमन फैक्टर। एंड यू नो, दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट जहां की पॉलिसीज, जहां का प्लान चेंजेबल नहीं है, एडिटेबल नहीं है, राइट। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज द 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम, दिस इज द 100% ट्रांसपेरेंट यू नो कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सब कुछ दिखता है, यहाँ पे कोई आपसे झूठ नहीं बोल सकता, कोई आपसे फ्रॉड नहीं कर सकता। एंड दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पे आपको इंस्टेंटली ट्रांजेक्शन होते हैं। इट मीन दैट व्हाट, कि अगर आपने किसी के ज्वाइनिंग डाला, आपको कोई क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, आपको कोई मैचिंग का वेट नहीं करना है, आपको किसी यू नो अपने टारगेट्स कंप्लीट करने का, अपने पर्सनल टारगेट्स कंप्लीट करने का वेट नहीं करना है। विद इन अ सेकेंड आप पेमेंट पाते हैं, यहाँ से इंस्टेंट आपको पेमेंट आता है मेरे दोस्त, राइट। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलता हूँ, जो 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, मैंने पहले ही बताया कि 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी नहीं है, मतलब इस सिस्टम को कोई भी कंट्रोल नहीं करता, इस सिस्टम को किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। एंड यस, ये इकलौता सिस्टम है मेरे दोस्त पूरी दुनिया का जो 100% ऑनलाइन तरीके से वर्क करता है, 100% ऑनलाइन तरीके से काम करता है मार्केट के अंदर, जहां पे कोई भी ऑफलाइन वर्किंग नहीं है। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, कि यहां पे एक बार कोई भी चीजें डालने, फोर्सेस के बारे में बता रहा हूं, फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, एक बार बनाने के बाद इस सिस्टम को डाल दिया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बार डालने के बाद इस सिस्टम को एडिट करना पॉसिबल नहीं है, इस सिस्टम को बदलना पॉसिबल नहीं है, इस सिस्टम को डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। जब भी हम किसी कंपनी का प्लान देखते हैं, सबसे पहला डाउट होता है, कंपनी बंद हो गई तो मेरा क्या होगा, कंपनी चली गई तो मेरा क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मेरा फेस वैल्यू खराब हो जाएगा। मेरे दोस्त, यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है डाउट करने की, यहाँ पे आपको यू नो समझना है कि जो सिस्टम है ये कभी जा ही नहीं सकता जब तक दुनिया के अंदर इंटरनेट अवेलेबल है। अब ये समझिए, इस सिस्टम का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ये सिस्टम किस प्रोडक्ट, इस सिस्टम का डिजिटल प्रोडक्ट है। एंड वो डिजिटल प्रोडक्ट क्या है, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट दैट कैन बी एक्सचेंज ऑनलाइन फॉर गुड्स एंड सर्विस। मेनी कंपनीज हैव इशूड देयर अर्न क्रिप्टो करेंसीज, राइट, आर फ्रॉम कॉल्ड टोकन, एंड दिस कैन बी ट्रेडेड स्पेशली फॉर गुड्स एंड सर्विस दैट द कंपनी प्रोवाइडेड। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी काइंड ऑफ मुद्रा, जैसे आप भारत के अंदर रहते हैं आप रुपए यूज करते हैं, अगर आप यू नो थाईलैंड के अंदर हैं तो आप पर्टिकुलर वहां का यूज करेंगे, बात यूज करेंगे, अगर आप किसी और कंट्री के अंदर है तो पर्टिकुलर आप यूएसए के अंदर है तो आप वहां की करेंसी यूज करें। बट दिस इज द करेंसी, दिस इज द ओनली करेंसी जिसको आप अक्रॉस द वर्ल्ड यूज कर सकते हो, देयर आर नो लिमिटेशन, दिस इज द ओनली करेंसी जिस करेंसी को यूज करने के लिए
आपको बैंक अकाउंट्स नहीं चाहिए, जिस करेंसी का यू नो यूज करने के लिए आपको किसी का पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए, जिस करेंसी का यूज करने के लिए आपको किसी भी लिमिटेशंस को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है यूजुअली कि अपन जब भी कभी किसी भी पैसे किसी भी लेन देन को करते हैं तो एक थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है, थर्ड पार्टी मतलब एक बैंक की रिक्वायरमेंट होती है, एक बैंक के सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, एक बैंक का लिमिटेशन को रिक्वायरमेंट होती है। कैसे? अगर मुझे किसी को पैसे भेजने हैं, बैंक का लिमिटेशन है कि मैं 1 लाख ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता हूं, तो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ये मस्ट है। अगर मैं नहीं फॉलो करूंगा तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, 1 लाख ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। अगर बैंक का सर्वर नहीं है तो मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता हूँ, अगर यू नो। लेकिन ये एक ऐसी करेंसी जहां पे आपको यू समझिए कि मार्केट के अंदर आया ही इसलिए ताकि जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, थर्ड पार्टी का कंट्रोल है, ये सिस्टम इसलिए मार्केट के अंदर आया, क्रिप्टो करेंसी आया इसलिए ताकि आप बन सके अपने पैसे का 100% इंडिपेंडेंट ओनर, आप अपने पैसे का 100% स्वतंत्र मालिक बन सके, राइट। और ये है क्रिप्टो करेंसी, जहां पे आपको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, जहां पे कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी बैंक आपको सर्वर नहीं यूज करना है, राइट। और उसका नाम है मेरे दोस्त क्रिप्टो करेंसी। आगे लेके चलता हूं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया कैसे। क्रिप्टो करेंसी आप जो भी लेन देन का माध्यम यूज कर रहे थे उन सब का अपडेटेड वर्जन है। आज से थोड़ा सा बैक फ्लैश में चलते हैं, अपने लोगों सुना होगा कि पहले जो लेन देन होता था बार्टर सिस्टम में होता था। बार्टर सिस्टम मतलब सामान के बदले में सामान, काम के बदले में अनाज, राइट। देन मार्केट में आया गोल्ड, राइट, देन मेटल कॉइन, देन पेपर मनी नोट, राइट, रुपया, देन उसके बाद आया प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड, राइट, चीजों को आसान करने के लिए, राइट। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन था, अगर एटीएम के अंदर पैसे नहीं तो आप नहीं निकाल सकते हैं, एटीएम ने लिमिट डाल के रखा है 50,000, तो उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। सो मार्केट में क्या है, फोन पे, भाई आपको एटीएम तक जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठो पैसे भेजो। लेकिन सेम प्रॉब्लम था, एक थर्ड पार्टी की आवश्यकता थी, थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल कर रहा था। सो मार्केट में बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता या आविष्कार की जननी, जब भी कभी प्रॉब्लम आता है सोल्यूशन भी 100% आता है। इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है हमारे दोस्त क्रिप्टो करेंसी, जहां पे आपको किसी भी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, जहां पे कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है, राइट, और आप 100% तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखूं तो मैं आपको बताऊं, तो मेरे दोस्त अगर क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने पहले सुना है तो बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 969.6 बिलियन डॉलर। एक बिलियन के अंदर कितना, 7,500 करोड़, इंटू 80 कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बिलियन डॉलर में कितना होता है, इंटू 969 आप कैलकुलेट कर लेंगे मेरे दोस्त, कई देश की जीडीपी से ज्यादा कैपिटलाइजेशन केवल बिटकॉइन का है। एथेरियम जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 222.3 बिलियन डॉलर, टेदर का 33.1 बिलियन डॉलर, बाइनेंस कॉइन का 30.5 बिलियन डॉलर, राइट, कार्डोनो का 28.3 बिलियन डॉलर। मेरे दोस्त ये जो कैपिटलाइजेशन आप देख रहे हैं, आपको पता है एडिडास, नाइकी, ये प्यूमा जो इतनी यू नो एक ब्रांड है, जो कंपनीज हैं, उनसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा बाइनेंस का है, उससे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारा कार्डोनो का है, राइट। तो थिंग इज ये जो सिस्टम है, ये जो करेंसीज हैं मेरे दोस्त, ये मार्केट के अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। आप अगर आज पहली बार देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी बहुत लेट हैं। सर ठीक है, सिस्टम अच्छा है, यू नो क्रिप्टो करेंसी ठीक है, लेकिन व्हाट्स द इंडियन गवर्नमेंट, आरबीआई, सुनिए स्टेटमेंट, मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ के सुना रहा हूँ। आरबीआई वर्किंग ऑन डिजिटल करेंसी वॉन्ट्स टू टैप ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च देयर ऑन क्रिप्टो करेंसी। मेरे दोस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी अपनी लॉन्च करने जा रही है। इससे बड़ी चीज मैं आपको क्या बताऊं, भारत सरकार अपनी मतलब अगर आज आप एक्सेप्ट नहीं भी करोगे, कल जब आपके 500 रुपए होंगे अकाउंट के अंदर और गवर्नमेंट बोलेगी हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको आपके डिजिटल वॉलेट के अंदर देंगे क्रिप्टो करेंसी, तब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाएं आरबीआई का rbi.org.nic.in पे सर्च करें, आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट में सर्च करें, आपको पता चलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने की प्लानिंग कर रही है। मेरे दोस्त ये एक ऐसी करेंसी है जिसको इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी फ्लिपकार्ट ने ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आपको मैं बताऊं, भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे यू नो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने लगे हैं। मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, अगर अपन वर्ल्ड वाइड जाते हैं, थोड़ा सा अगर आप वर्ल्ड वाइड चीजों पे बिलीव करते हैं या फिर चीजों को समझते हैं, तो आज एक दो नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसीज को एज अ पेमेंट भी एक्सेप्ट करने लगी है। क्या आपको पता है आपके पास जो वीजा जिसका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है वो भी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करती है? क्या आपको पता है दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी यू नो टेस्ला भी क्रिप्टो करेंसी से, आप अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो क्रिप्टो करेंसी के बदले में आप कार भी खरीद सकते हैं। आपको क्या पता है KFC जिसका बर्गर हमें बहुत पसंद होता है, मेरे दोस्त KFC भी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट लेना और एक्सेप्ट ऑलरेडी कर चुकी है। कनाडा के अंदर अगर आप जाते हैं
और बर्गर नो डाउट आप नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, स्टारबक्स जिसकी कॉफी बहुत फेमस है, राइट, ओवर स्टॉक, सबवे, पिज्जा हट, मियामी डॉल्फिन, ये वो कंपनीज का, पेपाल, यू नो, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, यू नो, ये वो कंपनीज का मैं नाम बता रहा हूँ, मेरे तो विकीपीडिया, ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करने लगी हैं, राइट। मैं फिर बोल रहा हूँ, अंधा उस इंसान को नहीं बोलते जो आंखों से होता, उस इंसान को बोलते हैं जो बदलती दुनिया को देख नहीं सकता, राइट। अगर आप चीजों को नहीं समझेंगे, कल आप बहुत आउटडेटेड हो जाएंगे। देखिए, बोलते हैं हर किसी का टाइम एंड ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी, देखिए बाद में तो फॉलोअर्स आते हैं। अगर आज आप समझते हैं, आज इंडिया का 2% पॉपुलेशन भी क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझ, बट क्या आपको पता है भारतवर्ष के अंदर 17 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के ऑलरेडी बैंक्स ओपन हो चुके हैं? क्या आपको पता है 27 से ज्यादा एटीएम मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं, जहां पे लेन देन होना शुरू हो गया है? मेरे दोस्त, इट माइट बी पॉसिबल, जो भी आपका नियर बाय प्लेसेस होगा, जो भी आपका नियर बाय सिटी होगा, आने वाले टाइम के अंदर वहां पे बैंक्स ओपन हो चुके होंगे, लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग इसके बारे में जानेंगे, तब लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, तब लोग क्रिप्टो करेंसी पे एक्सेप्ट करेंगे एज अ फिएट करेंसी, एज अ लीगल टेंडर। एट दैट टाइम यू ऑलरेडी बिकम द, यू नो, ट्रेंड सेटर। आप तब तक ऑलरेडी ट्रेंड सेटर बन चुके होंगे, तब तक आप ऑलरेडी इस फील्ड के खिलाड़ी बन चुके होंगे, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं। मेरे दोस्त, मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे किसी भी इंसान का पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए होता है ट्रांजेक्शन करने का, तो फिर होता कैसे यहाँ पे लेन देन? यहाँ पे लेन देन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट, यू नो, लेटेस्ट एंड मोस्ट सेफेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट्स कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसको अपन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर भी बोलते हैं, पब्लिक लेजर भी बोलते हैं। हर एक बिजनेसमैन अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए कोई ना कोई माध्यम अपनाता है। क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का हिसाब किताब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से रखा जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की खासियत क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से एक बार अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको मिटाना संभव नहीं, एडिट करना संभव नहीं है, डिलीट करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो सर्वर है, दुनिया के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है, बाय डिफॉल्ट जब आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। अगर आपको मिटाना है, आपको एडिट करना है, तो पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपको एडिट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया कि हमारा जो सिस्टम है, कोर्सेस है, वो भी ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉयड है। मतलब अगर इस सिस्टम का फाउंडर मालिक भी अगर चाहे कोर्सेस के प्लान को एडिट करना, कोर्सेस के प्लान को बदलना, तो नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकते? क्योंकि इस सिस्टम को ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया मेरे दोस्त, और आपको सीना ठोक के, यू नो, 100% बिलीव करके और इस सिस्टम के साथ काम करने की जरूरत है। और मैं बता दूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप इसको नहीं एक्सेप्ट करोगे, कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको मजबूरी में एक्सेप्ट कराएगी, मजबूरी में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो मैं गलत नहीं हूँ। क्योंकि मोदी साहब ने अनाउंस किया है, आने वाले टाइम के अंदर जमीन की रजिस्ट्री करवानी हो, बिजली के कनेक्शन लेने हो, चाहे तो कोई भी जमीनी कागजात, सरकारी कागजात, यू नो, सरकारी काम होगा, सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाला है। लास्ट में आई कैन प्रॉमिस टू यू, और लास्ट में मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर टाइम रहा तो बिल्कुल मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा मिस्टर मोदी साहब का, और अगर नहीं दिखा पाए, आप यूट्यूब में जाकर सर्च करिएगा, आपको पता चलेगा। अभी जो सिस्टम है, इसको मैनेज कौन करता है? कोई नहीं करता, मैंने पहले ही बताया। ब्लॉकचेन में डलने के बाद कोई मैनेज कर भी नहीं सकता है, राइट। और कोई भी किसी भी इंसान के द्वारा ना तो इसको मैनेज किया जा सकता है, और ना ही कोई इसको कंट्रोल करता है। देयर आर नो ह्यूमन कंट्रोल, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, राइट। एंड ये जो सिस्टम है, फोर्सेस जो बीयूएस, हमारा जो अभी कॉइन लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है बीयूएस। हम जो अभी काम करने वाले हैं, जो हमारा ऑलरेडी प्री लॉन्चिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ है, राइट। और जो बीयूएसडी है, बीयूएसडी के बारे में आपको बता दूं, बीयूएसडी एक स्टेबल कॉइन है। अभी स्टेबल कॉइन होते हैं, देखिए मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी भी दो तरीके के, एक है स्टेबल कॉइन, अनस्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन में बीयूएसडी दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉइन है, जो बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे काम करता है। मेरे दोस्त, जो हमारा बीयूएसडी है, बीयूएसडी को पैक्सोस एंड बाइनेंस ने मिलकर यूएसडीटी इज इक्वल टू बीयूएसडी को लॉन्च किया है, राइट। यूएसडी मतलब जो यूएसए का डॉलर है, एंड बाइनेंस, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए बीयूएसडी को मार्केट के अंदर लेके आया गया। बेस्ट पार्ट इज व्हाट, कि जो बीयूएसडी है, इसको न्यूयॉर्क फाइनेंशियल स्टेट सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उन्हीं के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, और उन्हीं के द्वारा अप्रूव किया गया। अब ये क्या है? यूएसए गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे भारत सरकार के अंदर सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, द सेम वे यूएसए के अंदर भी इनका एक फाइनेंशियल, जो ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए है, उनके द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, और वही रेगुलेट करती है। अब ये समझिए, ये जो हमारा सिस्टम है, राइट, यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट कितना है, एंड कितने से अपन करते हैं, और यहाँ से बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर सकते हैं। Just give me a second. Okay. So, मैं यहाँ पे एक को रिमूव कर रहा था, मैंने कर दिया, थैंक यू। सो ओके, अब बीयूएसडी जो हमारा है, 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD, 1 BUSD का कीमत $1 के बराबर है, $1 के बराबर है। अभी जो हमारी यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस है, वो जो अभी अपकमिंग प्रोग्राम है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मिनिमम आप 10 BUSD के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, 10 BUSD के साथ ज्वाइन कर सकते हैं।
क्योंकि एक बीयूएसडी का कीमत 80 रुपए है, तो आप यहां पे 800 850 रुपए के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहां पे ज्वाइन करते हैं, आपको यहां पे बाय डिफॉल्ट दो स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। यहां पे एक चीज आपको समझना है, यू हैव टू एक्टिवेट बोथ सेम, यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली, आप इन दोनों को एक साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा, अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर। आपका जो 10 बीयूएसडी है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 5 बीयूएसडी जाता है X3 के अंदर, 5 बीयूएसडी जाता है X4 के अंदर। ये दोनों स्ट्रक्चर का काम अलग अलग है, आपको अलग से ज्वाइनिंग नहीं लगाना है, बाय डिफॉल्ट आपकी ज्वाइनिंग दोनों जगह पे लग जाएगा, दोनों आपका जो अकाउंट है दोनों जगह पे बढ़ जाएगा। बट आपको समझना है ये दोनों स्ट्रक्चर का काम अलग अलग है। सबसे पहले अपन समझते हैं फोर्सेस X3 का। फोर्सेस X3 कैसे काम करता है, फोर्सेस X3 के अंदर जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है मिनिमम 5 बीयूएसडी के साथ, कम से कम 400-450 रुपए इंडियन रुपीज के साथ। आप जब यहाँ पे ज्वाइन करते हैं आपकी पोजीशन होती है दैट कॉल्ड यू, यू नाम से, यू कैन डिनोट योर नाम व्हाटएवर जो भी आपका नाम है, बट यहाँ पे मैं यू नाम से डिनोट करता हूँ। आपकी जो ज्वाइनिंग लगती है मिनिमम 5 बीयूएसडी। आपको करना क्या, रेज द अवेयरनेस टू राइट पीपल, आपको सही लोगों को सही जानकारी बताना है किस चीज की, क्रिप्टो करेंसी का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का, फोर्सेस का। एंड जैसे ही आपकी टीम के अंदर कोई इंसान आता है राइट, आपको यहाँ पर रेफरल इनकम बोलते हैं, इसको अपन डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं, इसको अपन स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं। जैसे ही आपकी टीम के अंदर कोई आता है, देर आर नो क्लोजिंग, देर आर नो मैचिंग, यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं, कोई टारगेट नहीं है। जैसे ही आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है विद इन अ सेकंड, जो पेमेंट 100%। मेरे दोस्त, जैसे ही आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं 100% पेमेंट इससे आपको आता है, 100% पेमेंट आपको आता है। और बेस्ट पार्ट इज व्हाट, यू नो विद इन सेकंड आता है मेरे दोस्त, 1 सेकंड के अंदर आपको आता है। जैसे ही आप किसी दूसरे इंसान को रेफर करते हैं, अगेन आपको 100% अमाउंट आता है, और कितना आता है वो भी 100% आता है। यहाँ पे भी कोई क्लोजिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है। जैसे ही कोई तीसरा इंसान आपकी टीम के अंदर रेफर करते हैं, कोई तीसरा इंसान आपकी टीम के अंदर आता है, ये तीसरा आपके इस स्ट्रक्चर को रिसाइकल करता है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर भर चुका है, दोबारा आपको पैसा ना लगाना पड़े। बाय डिफॉल्ट तीसरे का रीइन्वेस्ट हो जाता है, आपके इस स्ट्रक्चर को रिसाइकल कर देता है, सो दैट कि आप आगे दोबारा भी इसको इनकम ले सके। बार बार यही होगा, X3 का 2 का आपको मिलेगा, तीसरा अप्लाइंग को जाएगा, 2 आपको मिलेगा, तीसरा अप्लाइंग को, 2 आपको मिलेगा, तीसरा अप्लाइंग को जाएगा। मेरे दोस्त, ये दुनिया की पहली कंपनी है जो 100% कमीशन देती है, और पहली कंपनी इसलिए भी है कि 100% कमीशन आपको देता है राइट, अदरवाइज लोग 5% 10% में बड़ा खुश होते हैं। तो ये हमारा X3। नेक्स्ट है हमारा X4, दिस द 100% टीम वर्किंग प्लान। ये 100% टीम वर्किंग प्लान है, इसको बड़े सारे लोग बोलते हैं नॉन वर्किंग है, देयर आर नो वर्किंग प्लान राइट। यहाँ पे कोई भी नॉन वर्किंग प्लान नहीं है, एक का डबल यहाँ नहीं होता, हेरा फेरी मूवी अपन ने यू नो देखी थी वैसा वाला कोई स्कीम स्कैम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे किसी ना किसी के काम करने से ही आपको आएगा, हो सकता है आपकी अप्लाइंग से, हो सकता है डाउनलाइन से, लेकिन वर्किंग से ही इनकम आएगा। अब यहाँ पे जो आपकी आईडी लगी थी मिनिमम 5 बीयूएसडी के साथ, आपने जैसे मिस्टर 1 एंड 2 को रेफर किया, अब ये 1 एंड 2 क्या अलग लोग होंगे जो X3 के 1 एंड 2 थे? नॉट डियर फ्रेंड, जो X3 थे 1 एंड 2 थे उन्हीं की आईडी यहाँ पे भी लगता है X4 के अंदर 1 एंड 2, और इनका आपको नहीं मिलता, ये चला जाता है आपकी अप्लाइंग को। एंड जैसे आपने मिस्टर 3 को लेके आया, या फिर मिस्टर ए ने लेके आया, मिस्टर बी ने लेके आया, अगेन यू गॉट 100% अमाउंट फॉर योर टीम। आप 100% अमाउंट यहां से लेते हैं विद इन सेकंड, 1 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट आता है। जैसे ही आपकी टीम के अंदर मिस्टर 4 आते हैं, अगेन आप यहां पे 100% इनकम लेते हैं। जैसे ही आपकी टीम के अंदर मिस्टर 5 आते हैं, अगेन आप यहां से 100% लेते हैं। एंड जैसे ही आपकी टीम के अंदर मिस्टर 6 आते हैं, अगेन ये आपके स्लॉट के रीइन्वेस्ट हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा, और ये आपके स्लॉट को रीओपन कर देगा, सो दैट कि आप यहां पे दोबारा भी इनकम ले पाए। 6 लोगों के स्ट्रक्चर में 3 आपको मिला, 3 अपलाइंग को गया, क्रॉसलाइंग को गया, किसी को भी जा सकता है, डाउनलाइन को भी जा सकता है। यहाँ पे एक अच्छी चीज है दैट ओवर स्पिल। अब ये ओवर स्पिल क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो आज तक किसी भी कंपनी में नहीं हुआ है। अक्सर मैं बोलता हूँ कि फोर्सेस में अगर आए हो तो काम करो या ना करो, तुम्हारी मजबूरी है, कमा के जाना पड़ेगा, बशर्ते आपकी डाउनलाइन का वर्किंग में होना बहुत जरूरी है, आपकी डाउन अपलाइन का एक्टिविटीज के अंदर होना बहुत जरूरी है। कैसे होगा, मान लीजिए आपने ज्वाइन किया और आपने लोगों को नहीं ज्वाइन कर पाए, लोगों को नहीं लेके आ पाए, रेफर नहीं कर पाए, तो क्या होगा, आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके अपलाइन से भी बढ़ सकता है। ये दुनिया की पहली इंडस्ट्री है जहां पे आपके डाउनलाइन से तो इनकम आता ही आता है, आपके वर्किंग से तो इनकम आता ही आता है, लेकिन यहाँ पे आपके अपलाइन से भी इनकम आता है। कितना आता है, 100% आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो बोले नहीं सर मैं तो कमाया ही नहीं, तो उसका रीजन ये है कि तुम भी मक्कार थे, तुम्हारा अपलाइन भी मक्कार था, तुम भी काम नहीं किया, तुम्हारा अपलाइन भी काम नहीं किया। लेकिन अगर तुमने काम करी है, फिर तुमने नहीं करी, तुम्हारी अप्लाई में काम करी है, तो 100% तुम यहां से इनकम करके जाओगे।
और एक नहीं कई ऐसी आईडीज हैं, हो सकता है लास्ट में आपको आईडी खोल के दिखाया भी जाए, सब कुछ ओपन है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता और आप आईडी यहाँ पे किसी का भी खोल के देख सकते हैं। और आपको पता हो चलेगा, हैरानी होगी कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए कमा के गए बिना काम किए, बिना किसी को रेफर के, बट दिस इज नॉट अ नॉन वर्किंग इनकम, ये आपकी अप्लाइंग की वर्किंग इनकम आता है, राइट। सो ये था हमारा एक्सपोर्ट। अब देखिए ट्रिपल एक एक्सपोर्ट भी है लेकिन वो बाद में आएगा, तो उसके बारे में अपन बातें नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखें X3 के अंदर टोटल 12 लेबल है। अब ये लेबल क्या है, 12 लेबल का मतलब है 12 स्लॉट यहाँ पे बोला जाता है, लोग अलग जगह पे लेबल बोलते हैं, कंपनी के अंदर जो पिन बोलते हैं। इनको अचीव करने के लिए लोगों को अच्छा खासा टर्नओवर करना पड़ता है, लोगों को अच्छी खासी टीम बनानी पड़ती है। यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, यहाँ पे आप चाहें तो डे वन पे यहाँ का टॉप डेजिग्नेशन ले सकते हैं, डे वन पे यहाँ का टॉप डेजिग्नेशन को आप अचीव कर सकते हैं विथ योर ऑन इन्वेस्टमेंट। आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे टॉप डेजिग्नेशन ले सकते हैं। सेम चीज आपको एक्सपोर्ट के अंदर भी लागू होगा, एक्सपोर्ट में भी आप सारे के सारे लेवल फर्स्ट डे पे ही अचीव कर सकते हैं। कंडीशन केवल एक है, कंडीशन समझिए। सबसे पहले अपन यहाँ पे X3 की बात करते हैं, देन एक्सपोर्ट की भी बात करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके X3 में मान लीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट लॉट में आपने यहाँ पे दो लोगों का 100% ले लिया इनकम, तीसरा रिइन्वेस्ट हो गया। जैसे ही आपका साइकिल एक बार रिसाइकल हो जाएगा, स्ट्रक्चर एक बार रिसाइकल हो जाएगा, आपको दोबारा लेना है फर्स्ट स्लॉट के इनकम, तो यहाँ पे कंडीशन है और कंडीशन ये है कि आपको अपना दूसरा स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो आप दोबारा ये वाला फर्स्ट स्लॉट का इनकम नहीं ले पाएंगे। सेम चीज आप अगर दूसरे स्लॉट में है, एक बार ये स्ट्रक्चर रिसाइकल हो गया, आपको दोबारा इसका इनकम लेना है, तो आपको तीसरा स्लॉट को अपग्रेड करना पड़ेगा। एंड अगर एक बार आपने तीसरा स्लॉट को अपग्रेड कर दिया तो फिर क्या होगा, दूसरे में क्या दोबारा का, नो, एक बार आपने तीसरा स्लॉट ले लिया तो दूसरे स्लॉट का इनकम आप एक बार, दो बार, तीन बार, 10,000, 20,000 बार, जितने बार चाहे उतने बार भी आप यहां से ले सकते हैं। सेम हमारा है यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर, आपने फर्स्ट स्लॉट में 5 USD के साथ एक बार आपका स्ट्रक्चर रिसाइकल होता है, आप यहाँ से चार लोगों की इनकम, चार गुना इनकम ले लेते हैं। जैसे एक बार यहाँ पे चार गुना की इनकम ले लेते हैं, आपको अगले स्ट्रक्चर को रिसाइकल, अगले स्ट्रक्चर को, अगले स्लॉट को बाय करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपके फंड है, आपकी टीम से जो आपको आने हैं वो मिसप्लेस हो जाएगा, आपकी अप्लाई से आने वो मिसप्लेस हो जाएगा और किसी और को चला जाएगा। ये लागू होता है 12वें स्लॉट तक। वंस जब आप 12वां स्लॉट कंप्लीट कर लें, देन व्हाट नेक्स्ट, एक बार 12वां स्लॉट अपग्रेड करने के बाद आपको दोबारा स्लॉट्स को नहीं अपग्रेड करना है। फिर आप जितने स्लॉट्स आपके होंगे, जितने आपके स्ट्रक्चर होंगे, जितनी आपकी टीम होगी, जितने आपके डायरेक्ट होंगे, उतनी बारी आप इनकम इसको ले पाएंगे। एंड व्हाट इज द राइट स्टार्टिंग, कि आप अगर अच्छा स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कितने स्लॉट के साथ आपको आना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, हाईली रिकमेंडेड, यू नो, एक आइडियल स्ट्रक्चर जो हमारे यहाँ का, कम से कम 5 स्लॉट के साथ आपको आना चाहिए। 5 स्लॉट के लिए कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी, INR में मैं आपको बता देता हूँ। INR में आपको 24,500 समथिंग की सीधा सीधा 25,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी अगर आप 5 स्लॉट के साथ आते हैं, सो दैट कि आप अपनी अपलाइन से भी इनकम ले सकते हैं, डाउनलाइन से भी ले सकते हैं, क्रॉसलाइन से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें थोड़ा सा इसको आप समझें कैसे इनकम आता है। पहले स्लॉट में आपने 5 BUSD इन्वेस्ट करा था, 5 BUSD से लिया था और लोगों को आपने रेफर किया था, आपको जो इनकम आया वो कितना है, $15, 15 BUSD, 3 गुना ज्यादा। सेकेंड में आपने 10 BUSD इन्वेस्ट करा था, आपको आया कितना, $30, $30। थर्ड में आपने 20 BUSD इन्वेस्ट करा था, आपको आया कितना, $60, $60 BUSD। सेम आप 12वें स्लॉट में जाते हैं, 9,900 BUSD आप इन्वेस्ट करते हो और आपको आता है कितना, 29,700 BUSD, 3 गुना। भाई सेम आपका X4 में है, X4 में 3 गुना नहीं, यहाँ पे आपको 4 गुना मिलता है। फर्स्ट स्लॉट में आपने 5 BUSD इन्वेस्ट करा था और आपको आया कितना, 20 BUSD। सेकेंड में आपने 10 BUSD इन्वेस्ट करा था, आया कितना, 40 BUSD एक बार रिसाइकल होने के बाद। सेम 12वें स्लॉट में 12वें लेवल पे 9,900 BUSD आपने इन्वेस्ट कराया, कितना, $39,600, राइट, क्योंकि $1 इज इक्वल टू $1 BUSD। तो इतना आप चाहे डॉलर माने चाहे BUSD माने, एक बार आप इन्वेस्ट करते हैं तो X3 में आपको 3 गुना आता है, X4 में आपको 4 गुना आता है, राइट। ये था हमारा X3 और X4 प्लान। मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि लास्ट में मैं मोदी साहब का वीडियो दिखाऊंगा, बड़ा ध्यान से आप देखें, मैं आपको दिखाता हूं मोदी साहब ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बोला है, देन उसके बाद अपन बहुत सारे लोगों को सुनने भी वाले हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, शुरू में जो बोला था कि बहुत सारे लोग हैं जो 6,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने करोड़ कमाए, उन्होंने क्या किया है, मीटिंग में लास्ट तक टिकते थे। मुझे पता है यहाँ पे सब लोग 6,000 लोगों में अपना नाम नहीं दर्ज कराएंगे, सब लोग करोड़ नहीं कमाएंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है इनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो करोड़ कमाने वाले और जो लास्ट तक टिकने वाले, तो देखते हैं आज कितने करोड़पति हैं जो यहां से अपना करोड़ रुपए अर्न करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, बड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। सरकारी प्रक्रियाओं, जनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा रहा है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, इतने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सके, यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद करेगी। ओके, सो ये था मिस्टर मोदी साहब का वीडियो जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा था मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ऑलरेडी यू नो आरबीआई, आप आरबीआई का पूरा जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आरबीआई का पूरा नोटिफिकेशन सब कुछ आप देख सकते हैं। राइट, थिंग इज कि आप यहाँ पे यू नो क्या समझ रहे हैं, आप इस चीज को कितना समझ रहे हैं, और अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, जो चल रहा है वही होगा। राइट, एंड बहुत सारे यहाँ पे लोग होंगे जिनके दिमाग के अंदर अभी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, वो सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है मेरे दोस्त। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता, यहाँ पे हर एक चीज यू नो सब कुछ मेरे दोस्त अवेलेबल है इंटरनेट के अंदर। आप किसी की भी आईडी जाके खोल के देख सकते हैं, आप किसी का भी आईडी ओपन करके देख सकते हैं कि उस बंदे ने जितना बताया है क्या सच में उतना कमाया है। मैं आज आप यहाँ से यहाँ पे आपको करोड़ों की बातें